आज मैं आप लोगों के साथ शक्कर पारा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी दिवाली पास आ रही है तो हर किसी के घर में ये शक्कर पारे बनाए जाते हैं। हर कोई अपने एक अलग तरीके से इसे बनाता है। आज आप मेरा तरीका भी जान लीजिए। हर साल दिवाली में मेरे घर में 2 से 3 किलो तक ये शक्कर पारे बनाए जाते हैं, एक पूरा डिब्बा भर के। और केवल 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ इसे बनाने के लिए, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना ही हम इसमें सूजी इस्तेमाल करेंगे। केवल 3 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और एकदम क्रिस्पी शक्कर पारे बना के मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। पूरे महीने तक ये शक्कर पारे अच्छे से रहे, इसके लिए क्या खास टिप्स हो सकती हैं, ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है, बोल लिया है, जिसके अंदर मैं मेजरिंग कप से नाप कर मैदा डालूंगी। अगर आपके पास इस तरह की कप नहीं है तो आप कोई भी बोल ले सकते हैं, किसी ग्लास से मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ लगभग 2 कप जितना मैदा। शक्कर पारे मैदा से, आटे से, मैदा और आटा दोनों को मिला के भी बनाए जा सकते हैं। मैं इस बार सिर्फ मैदा यूज़ कर रही हूँ। ये 2 कप जितना मैदा मैंने इसमें डाल दिया। चलिए, अब मैदा तो मैं डाल चुकी हूँ, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ मैंने ली है लगभग 1/2 कप जितनी चीनी। इसको मिक्सी जार में डाल के हम पीस लेंगे। चीनी मैंने 1/2 कप ली थी। अगर इसे पीसने के बाद मेजर किया जाए तो ये 3/4 कप जितनी भरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीनी भी मैंने इसके अंदर मिला दी। अगर आपको शक्कर पारों में थोड़ा सा इलायची या जायफल का फ्लेवर पसंद है तो आप एक एक चुटकी ऐड कर सकते हैं। मुझे प्लेन फ्लेवर के पसंद है इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हमारे शक्कर पारों को एकदम खस्ता बनाने के लिए हमें इसमें ज़रूरत है मोयन की। मोयन के लिए तेल और घी आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन आप घी ही इस्तेमाल करें। घी से शक्कर पारे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ये देसी घी है। आप घी देख सकते हैं, ये मेल्टेड नहीं है, जमा हुआ घी है। वैसे ही मैं डाल रही हूँ। अगर मेल्टेड हम डालते ना तो वो कम पड़ जाएगा, इसलिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही यूज़ कीजिएगा। तो ये इस प्रकार से अगर मैं घी डाल रही हूँ इसमें, तो ये मैं 2 बड़े चम्मच भर के इसमें घी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं, एकदम ज़्यादा, तो आप 3 टेबल स्पून भी घी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया और घी को हाथ से रब करते हुए मैदा और चीनी के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर। तो फ्रेंड्स, भले ही शक्कर पारे तलने के लिए आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोयन हम इसमें डालते हैं ना, उसके लिए आप घी ही इस्तेमाल करें। तो बस, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना। आप चाहो तो एक चुटकी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ केवल 3 चीज़ें हमने यूज़ की हैं, मैदा, चीनी और घी, बस। अब जब आप ये मोयन इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दे, तो इसके बाद इस मैदा को हाथ में उठा के इसकी मुट्ठी बना के देखें। इस प्रकार से इसका एक गोला सा आपके हाथों में बनना चाहिए। अगर ये गोला बार बार से टूट जा रहा है, इसका मतलब इसमें 1/2 या 1 चम्मच मोयन की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप फिर से इसमें डाल सकते हैं। ये गोला इस तरह से बन जाए तो इसका मतलब कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सही जा रहा है। इसे मलने के लिए पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दूध इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। पानी इस्तेमाल करने का कारण यही था कि जो शक्कर पारे इस रेसिपी से बनेंगे वो ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहे। मतलब अगर आप दूध डाल के भी बना सकते हो, लेकिन ख़राब, मतलब उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। आप पानी डाल के इसको गूंथ कर बनाएंगे तो ख़राब होने का डर बहुत हद तक कम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालिएगा, इसमें बहुत कम पानी का यूज़ होता है। तो इस तरह का डो लगाने में, ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 कप जितना पानी लिया था, जिसमें से सिर्फ इतना ही पानी मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पर ये डो आपको कुछ इस तरह से लगाना है, जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप पूरी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल भी सॉफ्ट इसको नहीं लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। इसे ढककर हम सिर्फ 3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए ही बाजू में छोड़ देंगे। मैं आपको तब तक कुछ टिप्स बता देती हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि शक्करपारे ज़्यादा ऑयली क्यों बनते हैं। शक्करपारे ऑयली बनने के 2 कारण हैं। अगर ये शक्करपारे का डो आपने थोड़ा सा नरम लगाया, सॉफ्ट लगाया रोटी की तरह, तो शक्करपारे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करते हैं। दूसरा कारण ये है कि इन शक्करपारों को खस्ता करने के चक्कर में बहुत से लोग इसमें ज़्यादा मोयन इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा घी डाल देते हैं। इसकी वजह से भी शक्करपारे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करते हैं। अब और एक प्रॉब्लम लोगों को आती है कि शक्कर पारे जब आप तलते हों तो वो बिल्कुल फट क्यों जाते हैं, बिखरने क्यों लगते हैं। इसकी वजह ये है कि शक्कर पारे खस्ता करने के लिए हम इसमें घी मिलाते हैं, मतलब मोयन मिलाते हैं। वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आपके हाथों में बिल्कुल घी घी सा आ रहा है जब आप इस डो को मल रहे हो, इसका मतलब इसमें घी ज़्यादा हो चुका है और आपके शक्कर पारे जो है वो तलते समय फट जाएंगे, बिखर जाएंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल तैयार है 5 मिनट बाद। इसको ज़्यादा रेस्ट पर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इसको यूज़ में भी ले सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे ये डो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इसको मैंने चकले के ऊपर लिया, 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा मसल लिया। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया। एक रोटी को हम बहुत लंबा सा रोल करेंगे। अब ये मैदे की रोटी है तो रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम देती हैं, तो आप क्या करें, अगर आप इस रोटी को उठा उठा के रोल करेंगे तो ये वापस सिकुड़ते जाएगी। इससे अच्छा आप चकले को गोल गोल घुमाइए, मतलब रोटी बेलने में आपको आसानी आएगी। तो यहाँ मैंने जो ये रोटी, इसकी जो बेली है मैदा की, ये आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस है, ये मैंने इस प्रकार से रखी है, 0.5 सेंटीमीटर के आसपास ये होगी। बहुत ज़्यादा बारीक आप ये नहीं करेंगे, ना ही इससे ज़्यादा मोटे रखेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब हलवाई वाले शक्करपारे चाहते ना, तो ये थिकनेस बिल्कुल सही है। तो अब बस आपको इन्हें काटना शुरू करना है। ये सीधी लाइंस अब हम पहले कट करेंगे। ये 2 लाइंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये लगभग मैंने 1 सेंटीमीटर जितना गैप छोड़ते हुए मैं इनके ऊपर कट लगाते जा रही हूँ। आप चाहो तो इन्हें डायगोनल शेप में, मतलब डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, मैंने इन्हें स्क्वायर ही रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बढ़िया शक्करपारा बनके हमारा एकदम तैयार है। ये आप देख सकते हैं, अभी देखिए इसकी जो थिकनेस कितनी सी है, अब जब ये तलने के बाद देखिएगा एकदम फूल जाएगा, और इसमें तो कोई सोडा बेकिंग पाउडर नहीं भी है तब भी ये बहुत अच्छे से फूलेगा। और अभी अभी आपने देखा ना, मैंने इन्हें चकले पर से कैसे छुड़ाया है सिर्फ चाकू से। ये अभी चकले के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर चिपके चिपके नज़र आ रहे, बिल्कुल भी डरिए नहीं, देखिएगा आगे। शक्करपारे तलने के लिए मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, एक छोटा सा शक्करपारा मैंने इसके अंदर डाला। आप तेल में बबल देख सकते हैं, इससे एक अंदाज़ा आपको आ जाएगा कि तेल किस हद तक गर्म है। मतलब हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा चाहिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये शक्करपारे हैं, एक दूसरे को एकदम चिपके चिपके आपको नज़र आएंगे। जैसे ही अब मैं इन्हें तेल में डालूंगी, सारे अलग अलग हो जाएंगे, एकदम अलग अलग, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आपको ऐसे डालने से डर लगता है तो आप झारे में ले सकते हैं और वैसे डालिए, मतलब फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जैसे ही हम शक्करपारे तेल में डालते हैं, शक्करपारे एकदम तेल में नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही वो पकने लगते हैं, धीरे धीरे से ऊपर आने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे शक्करपारे एकदम अलग अलग होके बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं और हल्के हल्के फूलने भी लगे हैं। बिल्कुल अभी आप आँच को एकदम लो रखिएगा और लो फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे से तलना है। इनको कच्चा ना रखिए, इन्हें तलने में समय लगता है, एकदम गोल्डन अच्छा कलर आने तक तलना है। मतलब ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, अंदर तक पकेंगे। बिगिनर्स लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आपने शक्करपारे इस कलर पर फ्राई किए तो वो अंदर तक थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। आपको इससे एक शेड और थोड़ा सा डार्क चाहिए, मतलब कुछ इस तरह का कलर आने तक आपने फ्राई करना है, तब ये पूरी तरह से पक जाते हैं। तो बस अब आपके शक्करपारे बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें निकालने के लिए किसी छन्नी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि इसको नीचे से भी थोड़ी सी हवा लगेगी और एक्स्ट्रा तेल सारा नीचे बह जाएगा। अब इन्हें स्टोर करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको ये शक्करपारे पूरी तरह से ठंडे करने होंगे, लगभग 4 से 5 घंटे इन्हें आपको ऐसे ही छोड़ना है। सिर्फ बारीक पतला कपड़ा इनके ऊपर ढककर आप रख सकते हैं, लेकिन इन्हें पंखे के नीचे, कूलर की हवा में, एसी की हवा में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इन्हें बाहर ही साइड में किचन काउंटर टॉप के ऊपर ही छोड़ दीजिएगा। 4 से 5 घंटे के लिए ये पूरी तरह से ठंडे होंगे। फिर आप इनको अगर डिब्बे में भर रहे हैं तो डिब्बे में नीचे आपने एक टिश्यू पेपर बिछा देना है, फिर इसके ऊपर से 4 शक्करपारे डाल दीजिए और ऊपर से फिर से एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। और फिर जिस भी दिन आपको शक्करपारे खाने हों, जब आप डब्बा खोल के शक्करपारे निकालेंगे तो उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला दीजिएगा। इससे क्या होगा, शक्करपारों को थोड़ी सी हवा भी मिल जाएगी और शक्करपारे ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहने में आपको मदद मिलेगी। तो बस दोस्तों, जिस तरह से मैं शक्करपारे मेरे घर में बनाती हूँ और क्या इसका ख्याल मैं रखती हूँ, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।